बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं CT89 न्यूज नेटवर्क और मैं हूँ आपका दोस्त जुबैर बासित। आगे बढ़ते हैं और अब रुख करते हैं MLC का, जहाँ से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना मोहम्मद इबाद की इस रिपोर्ट के मुताबिक अवामी मसाइल के हल के लिए DPO बिहाड़ी राना शाहिद परवेज का MLC में कराए मीटिंग और खुली कचहरी का इनेकाद। DPO ने अवामी मसाइल और शिकायत सुनकर मौका पर ही फौरी हल के अहकाम जारी कर दिए। मार करदा दरख्वास्तों पर कानूनी कार्रवाई को यकीनी बनाया जाएगा। DPO राना शाहिद परवेज का कहना है कि पुलिस अफसरान थानों में आने वाले शहरियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करें। खुली कचहरी का मकसद इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना है और अवाम और पुलिस के दरमियान बाहमी रवाबित को बेहतर बनाना है। खुली कचहरी का मकसद सर्विस डिलीवरी के मैयार को बेहतर बनाना है। शहरियों के मसाइल के फौरी हल से ही पुलिस अफसरान पर अवाम का एतमाद बहाल होगा। DPO राना शाहिद परवेज का कहना है कि खुली कचहरी में आने वाले शहरी बायस एहतराम हैं। शहरियों के मसाइल का हल अव्वलीन जिम्मेदारी है, जिसके लिए तमाम इकदामात किए जा रहे हैं। अवाम उन्नास अपनी शिकायत के सिलसिला में बिला झिझक मुझसे मिल सकते हैं। DPO राना शाहिद परवेज का कहना है कि अवामी शिकायत के हल के लिए खुली कचहरियों का सिलसिला जारी रहेगा। खुली कचहरी के दौरान SDPO सर्कल MLC मोहम्मद ताहिर शबीर और सर्कल MLC के ऐसे चोर भी मौजूद थे। खुली कचहरी के बाद DSP MLC सर्कल MLC के तमाम ऐसे चोर से क्राइम मीटिंग की।